दोस्तों आप सभी ने YouTube पर भारत में बन रहे मेगा प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे और इसे देखने के बाद आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसे और कितने रूट्स हैं जिसे भारत सरकार द्वारा अप्रूवल दिया गया है और आखिर कब तक पूरे भारत को बुलेट ट्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में एक ऐसी ब्रिज बनाई जा रही है जिसकी ऊंचाई एक आईफेल टावर से भी ज्यादा है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा ऊंची स्टैचू बनाई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप इन अमेजिंग मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर आप इन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि अहमदाबाद के साबरमती से मुंबई के BKC तक 508 किलोमीटर के रूट में भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसे जापानीज कंपनी शिंकानसेन और भारत की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन बना रही है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन को 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में लगने वाले 60% चीजों को जापान से इंपोर्ट किया जाएगा और यहाँ पर बैलेस्टलेस ट्रैक्स बिछाए जाएंगे। इन ट्रैक्स पर जापान की बुलेट ट्रेन शिंकानसेन की E5 सीरीज के ट्रेनों को चलाया जाएगा। चलिए आपको शिंकानसेन की E5 सीरीज के ट्रेनों का एक झलक दिखाते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें तो आप कई दफ़ा सुन चुके होंगे, लेकिन दोस्तों अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको काफ़ी गर्व होगा। भारत सरकार ने 10 रूट्स पर बुलेट ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव रखा है जिससे ये भारत के 4 बड़े शहरों को कनेक्ट करेगा। चलिए मैं उन 10 रूट्स के नाम भी बताता हूँ। दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू हावड़ा, दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अहमदाबाद, पटना टू गुवाहाटी, मुंबई टू नागपुर, नागपुर टू वाराणसी, मुंबई टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु और चेन्नई टू मैसूरू। लेकिन दोस्तों NHSRCL का कहना है कि इन सभी 10 रूट्स के टेंडर जापान के अलावा फ्रांस, साउथ कोरिया और चाइना को भी मिल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वर्तमान में बन रहे अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक हुआ। दोस्तों गुजरात में 90% लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में NHSRCL का कहना है कि उन्हें काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है लैंड एक्विजिशन को लेकर। महाराष्ट्र में मात्र 25% लैंड एक्विजिशन का काम हो पाया है, इसलिए महाराष्ट्र में टनल्स बनने का काम भी शुरू नहीं हुआ है। 2021 की मई तक की अपडेट्स माने तो लार्सन और ट्यूब्रो ने गुजरात के टनल्स का काम और पिलर्स का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों गुजरात के 8 में से 5 स्टेशन पर काम किया जा रहा है जिसमें से साबरमती स्टेशन का 60% काम पूरा हो गया है। दोस्तों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुमित शर्मा जी का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट से जुड़े काम में डिले होगा तो गुजरात के 350 किलोमीटर के रूट में बुलेट ट्रेन को शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों खुशी की बात तो ये है कि दिल्ली वाराणसी रूट का ग्राउंड सर्वे हो गया है और बहुत ही जल्द सरकार द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों सरकार का लक्ष्य है कि 2050 तक पूरे भारत में बुलेट ट्रेन ऑपरेट करने लगेंगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों कश्मीर में एक ऐसी ब्रिज बनाई जा रही है जो भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की टॉलेस्ट रेल ब्रिज होगी। इस रेल ब्रिज का नाम है चेनाब ब्रिज जिसकी ऊंचाई एक आईफिल टावर से भी ज़्यादा है। ये एक सिंगल आर्क ब्रिज है जिसे चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। चेनाब ब्रिज को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है जिसकी कुल लंबाई 345 किलोमीटर है। इसके बनने के बाद कश्मीर की कनेक्टिविटी पूरे भारत के साथ हो जाएगी। ये एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज है और युद्ध के दौरान पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल 2003 में ही रखा गया था, लेकिन इस पर काम 2008 में शुरू हुआ और फिर कुछ अड़चनों की वजह से 2009 में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन दोस्तों 2022 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये ब्रिज इसलिए स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये 8 रिचर तक का झटका झेल सकती है और ये 40 किलो तक का TNT का ब्लास्ट भी झेल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर टैंक्स का मूवमेंट भी काफ़ी आसानी से हो सकता है
जो युद्ध के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों ये कश्मीर के रिसाई डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है जो बक्कल और कौरी को जोड़ेगा। इसे बनाने का काम एफकॉन लिमिटेड, डिजाइनिंग का काम IIS बेंगलोर और स्टील का काम DRDO कर रही है। दोस्तों इस ब्रिज की एक खासियत है कि अगर जरूरत पड़ने पर यहाँ पर ट्रेनों को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चलाया जा सकता है। दोस्तों इस ब्रिज का 90% काम पूरा हो गया है, बस एक एडिशनल रोड कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों अभी दुनिया के सबसे ऊंची स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, लेकिन दोस्तों अब इससे भी ऊंचा स्टैचू बन रहा है। जी हाँ, फिर से दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू भारत में ही बनाया जा रहा है। ये स्टैचू प्रभु श्री राम की होगी, जिसे अयोध्या में बनाया जाएगा। इस स्टैचू को बनाने का प्रपोजल योगी सरकार ने रखा था। इस स्टैचू की ऊंचाई 251 मीटर होगी, जो दुनिया की टॉलेस्ट स्टैचू बन जाएगी। इसे बनाने में 2500 करोड़ की लागत लगेगी। दोस्तों आप शायद नहीं जानते होंगे कि दुनिया की 35 अपकमिंग टॉलेस्ट स्टैचू प्रोजेक्ट्स में से 12 स्टैचूज भारत में ही बनाई जा रही है। दोस्तों महाराष्ट्र में भी एक स्टैचू बन रहा है, और ये स्टैचू है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिसकी ऊंचाई 212 मीटर होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू महाराष्ट्र सरकार बना रही है, जिसे बनाने में 3600 करोड़ की लागत लगेगी, और इस पर काम भी बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अब देखते हैं हमारे चौथे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। दोस्तों कोलकाता में एक ऐसे मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जहां पर मेट्रो नदी के नीचे से चलेगी। दोस्तों सुनकर ही हैरानी होती है कि पानी के नीचे से चलेगी मेट्रो। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे कामों को कर लिया गया है, हालांकि अभी बहुत सी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। इसमें शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भारतीय इंजीनियर और फॉरेन के इंजीनियर्सों ने मिलकर इस काम को पूरा कर लिया। ये अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के फूल बगान से हावड़ा मैदान तक चलेगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी टनल बनाने को लेकर, कि कहीं इसमें ऊपर से पानी की लीकेज ना होने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर 2 टनल्स को बनाया गया है, जिसे टनल बोरिंग मशीन से बनाया गया है, और इसकी लंबाई 520 मीटर की है। दोस्तों ये भारत का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पांचवे और आखिरी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों गुजरात के ढोलेरा में टोक्यो और हांगकांग जैसा एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को दुनिया की आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कई स्काईस्क्रैपर्स भी बनाए जाएंगे, ताकि एक शहर में 20 से 30 लाख लोगों को बसाया जा सके। ढोलेरा को इतना एडवांस बनाया जा रहा है कि यहाँ पर सभी चीज़ें वायरलेस सेंसर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक्ड रहेंगी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन अलग होगा और रेसिडेंशियल और कमर्शियल जोन अलग होगा। यहाँ पर कई मॉल्स और मल्टीप्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों की जरूरतों के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। इस स्मार्ट सिटी को भारत सरकार के 100 स्मार्ट सिटीज फ्लैगशिप मिशन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। दोस्तों ढोलेरा को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को भारत में लाया जा सके। दोस्तों अगर आप इस स्मार्ट सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।